जो पाप की दास्ता में रहते हैं, दास्ता में रहते हुए पुण्य कमा नहीं सकता। जो पानी में तैरते हैं, वो आग को अपना नहीं सकता। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। चमका सितारा सीजन 3 में आप सबों का स्वागत है। हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेंगे, आमीन। सबों को जय यीशु। आज दिसंबर 22 तारीख, आज के लिए प्रभु का वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 वचन संख्या 13। ईसा का कहना है, कोई भी सेवक दो सामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या तो एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सुनो लूकस भाग्य संपाद 16 गली 13। ओ कोई गुत्ती हो बरिया किसर्टेन ओहोय कमी दाड़े लिया, चाहे दो एंते मी खोड़े हिरकवया और एटागी दुलड़ेया, चाहे दो मी खोड़े मनोतिया और एटागी बे मनोतिया। जो पाप के दास्ता में रहते हैं, वे रहते हुए पुण्य कमा नहीं सकता। जो पानी में तैरते हैं, वो आग को अपना नहीं सकता। जो प्रकाश में चलते हैं, वे अंधकार को अपना नहीं सकता। जो ईश्वर की आराधना करते हैं, वो शैतान की पूजा नहीं कर सकते। जो वचन आज हमें दिए हैं, इसके बारे में अच्छी तरह मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। आज हम कहते हैं हम ईसा का है, लेकिन करते हैं हमारी इच्छा या इस दुनिया की सेवा में हम रहते हैं, दुनियाई चीजों से भरने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए धन और ईश्वर की सेवा एक समय हम नहीं कर सकते। अगर हम धन की पूजा करते हैं तो ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। जहां तुम्हारे संपत्ति है, वहां तुम्हारा हृदय है, प्रभु कहते हैं। तो हमारी संपत्ति आज कहां पर है, वो सोचना है। हमारी संपत्ति क्या है, वो देखना है। आज मेरे संपत्ति अगर कोई व्यक्ति है, तो मेरा हृदय भी वहां रहेंगे, उसके साथ रहेंगे। हम पत्नी और दूसरी व्यक्ति को या दूसरी स्त्री को एक समान एक समय प्यार नहीं कर सकते। अगर आप पत्नी को प्यार करते हैं, तो दूसरी स्त्री को प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम अपने पति को प्यार करते हैं, तो आप दूसरे व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकते। आप सोचिए, आपके धन कहाँ है या धन क्या है, आपकी मालिक कौन है, ईश्वर या धन, ईश्वर या शैतान। आज अगर हम हमारा मालिक या हमारे ईश्वर अगर धन है, तो वापस आएंगे। ये धन या दुनिया या शैतान हमें कभी बचा नहीं सकते। इस क्रिसमस की तैयारी का दिन खत्म होते जा रहे हैं,
हमारे दिल यीशु को ग्रहण करने के लिए। वही ईसा बालक यीशु जो स्नेही राजा है, उनको हमारे दिल में ग्रहण करने के लिए हम कितने तैयार हुए हैं। अगर यीशु के आंखों के सामने जो अच्छा नहीं है, अगर वैसा मुझ में है, उसको हमसे दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करें, हे बालक यीशु, मेरे स्नेही राजा, मैं तुझे प्यार करती हूँ, मेरे दिल में आइए और मेरे जीवन में राज कीजिए। पाले जीसु, इंजरे दुलड़िया राजा, इन आमेन दुलड़े दिया, इन्या ओन तो रही जुमे और इन्या जिंदगी रे राजो में, आमेन।